वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। तो सर, हम लोग बात करेंगे डायनेमिक ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज और हेड ऑफ लिक्विड इन मोशन और बर्नौली इक्वेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे। तो दोस्तों, डायनेमिक ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है? डायनेमिक ऑफ फ्लूइड फ्लो इज डिफाइंड एज द दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन कंसिडरिंग द फोर्सेस विच कॉज द फ्लो। तो यानी डायनेमिक ऑफ फ्लूइड का मतलब यहाँ पे इंडिकेशन किया जा रहा है कि एक प्रकार की ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम डील्स करते हैं, स्टडी ऑफ करते हैं किसका, फ्लूइड का इन मोशन में, कंसीडरिंग द फोर्सेस विच कॉज द फ्लो। किसका करेंगे स्टडी? फ्लूइड्स इन मोशन कंसीडरिंग द फोर्सेस विच कॉज द फ्लो। द डायनेमिक ऑफ फ्लूइड फ्लो इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन कंसीडरिंग द फोर्सेज विच कॉज द फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज या हेड ऑफ अ लिक्विड इन मोशंस की बात करते हैं। तो बेसिकली थ्री टाइप्स यहाँ पे कंसिडर आउट करते हैं। पहला पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड, दूसरा काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक हेड, तीसरा प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड की बात करते हैं तो इट इज ड्यू टू द पोजिशन अबव सम सुटेबल डैटम लाइन इट इज रोटेटेड बाई कैपिटल जेड। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड की बात करेंगे तो इट इज द ड्यू टू द पोजिशन अबव सम सुटेबल डैटम लाइन इट इज डोनेटेड बाई कैपिटल जेड, स्मॉल जेड से नोट कर सकते हैं। दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड। जब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक या वेलोसिटी हेड की, तो इट इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड लिक्विड इट इज वैल्यू इज गिवन बाई वी स्क्वायर अपॉन टू जी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक या काइनेटिक हेड की बात करेंगे तो इट इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इट इज द वैल्यू गिवन बाय वी स्क्वायर अपॉन टू जी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। थर्ड बात करते हैं प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड की, तो ये क्या होता है? इट इज द ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड इट इज द वैल्यू इज गिवन बाय द पी बाय स्मॉल डब्ल्यू, वेयर पी इज द प्रेशर इन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर एंड स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन कैपिटल न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमने देखा यहाँ पे डिनोट बाई स्मॉल जेड, काइनेटिक एनर्जी जो कि वी स्क्वायर अपॉन टू जी, और थर्ड हमारा जो था प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड जो कि हमारा हुआ था दैट इज पी अपॉन स्मॉल डब्ल्यू। नोट की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी या टोटल हेड होता है लिक्विड पार्टिकल्स का इन मोशन का इज एज फॉलोज। क्या होता है? टोटल एनर्जी कैपिटल ई जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी होता है। अगर हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की तो आपको ये तीनों एनर्जी यूज करने होंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, और हेड की बात करेंगे तो पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड। नेक्स्ट बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन की। बर्नौली इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। बर्नौली इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन आप देखेंगे तो बर्नौली इक्वेशन स्टेट दैट फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए, यहाँ पे ध्यान रखिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं, फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फॉलोइंग इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड और फॉलोइंग इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम है तो जो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स द सेम वेयर द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो दैट इज जेड वन प्लस वी स्क्वायर वी स्क्वायर वन अपॉन टू जी प्लस पी वन अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस पी टू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों केस में क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो दैट इज द बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर एंड पीओ ट्यूब। द बर्नौली इक्वेशन फॉर अ रियल फ्लूइड इज गिवन बाय पी वन अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एल। एच एल इज द लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन द सेक्शन वन एंड टू। बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे आपने देखा बर्नौली इक्वेशन की क्या इक्वेशन है। अगर बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड्स की बात करेंगे तो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे पी वन अपॉन डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी टू अपॉन डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एल। तो यहाँ पे एच एल जो यहाँ पे आपका कब आएगा, दैट इज एच एल हमारा क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन द सेक्शन वन एंड टू, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इनकम्प्रेसिबल यहाँ पर एज अ कॉन्स्टेंट। तो बर्नौली इक्वेशन जो होती है अप्लाइड करते हैं किसके लिए, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पीओ ट्यूब्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।